ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो स्टूडेंट जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकेंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही नहीं अटेंड करता इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुभाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे, टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है। अल्लाह सुभाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुभाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं, अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और एक चौराहे पर आते हैं, चार रास्ते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर तीन। अल्लाह सुभान ताला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर तीन लेंगे। तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर तीन चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते इल्मे गैब। अल्लाह सुभाना होता है इल्मे गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर तीन चुनेंगे और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर तीन रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप तीन नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने दसवीं पास की, बारहवीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते, आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब बारहवीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते, आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप बारहवीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ू मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा ये वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया, फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते क्या फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुबहाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया मुझे पास कर ले, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की, अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले के नहीं करने वाले। और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा कोई चोर नहीं आएगा।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जियाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करना चोरी करूंगा तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे और बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए, कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। सर टू मोर लाइव क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड। एरिटायर्ड ब्रदर डॉक्टर जाकिर नायक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम इम्तियाज, लेक्चरर बाय प्रोफेशन। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव गॉन थ्रू नूरुन मिन नूरिल्ला एंड सेकंड हुवल्लज़ी जअल शम्सु ज़ियाउन व कमरु नूरा एंड थर्ड अल्लाह नूर समावात वल अर्द। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नूर, प्लीज। भाई साहब ने कुरान में कई आयत कोट किए, आखिरी आयत जो कोट किया अल्लाह नूर समावात वल अर्द वो सूरह नूर की आयत है सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नूर समावात वल अर्द कि अल्लाह सुबहाना व ताला इस आसमान और इस धरती के नूर हैं। नूर एक अरबी लफ्ज है जो मैंने जिक्र किया सूरह फुरकान में सूरह 25 आयत नंबर 61 में कि नूर के मानी रोशनी को रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टेड लाइट, या मुनीर जो बोरो की हुई लाइट। नूर की मानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट को रिफ्लेक्ट करना। इसी तरीके से गैर मुसलमान पूछते उसका मतलब अल्लाह की रोशनी खुद की नहीं है क्या, किसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो आयत आपने जो कोट की आधी है, पूरी आयत बढ़ती है कि अल्लाह नूर समावाती, अल्लाह सारे आसमान और कायनात और धरती के नूर है। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक मिसबा है, एक रोशनी है मिसबा लैंप, और लैंप के अंदर एक निच है, एक छेद है, और इस नाइट को अने रोशनी भी अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप हैलोजन लैंप देखते हैं, हैलोजन लैंप, यहां तो हैलोजन लैंप उसमें बल्ब होता है, उसके पीछे रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिल्वर कोटिंग होता है। तो बल्ब भी हैलोजन लैंप है और रिफ्लेक्शन भी खुद का है। तो ये रोशनी भी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला की रोशनी खुद की भी है और खुद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं सारे दुनिया में, आसमान में और धरती पे। वाखर दावान हंद रब्बिल आलमीन। बुझ तुहन इंतहाई शुक्र गुजार बकर बे एकलेट शुक्रिया ये किस एडमिनिस्ट्रेशन खसूसन डी सी साहब, एडिशनल डी सी साहब अब्दुल लतीफ देवास सबुन यम जबरदस्त कोऑपरेटिव रूद ये प्रोग्राम हैंडल करनस अंदर। अल्लाह ताला करीन तिमन सारनी जजाए नेक अता। बशुस जिल के अमी गहरे शुक्रिया अदा करा।